हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का साक्षी समीक्षा ब्लॉग में स्वागत है। मैं यहाँ पे छोटे बच्चों का ब्लॉग शूट कर रही हूँ, जिसमें देखिए बच्चे बारी बारी से आएंगे अपना अपना यानी यहाँ पे काम लेकर, जिनका मैं देखिए यहाँ पे एक बच्चा जो है यहाँ पे देखिए ये टेबल सुना रहा है मुझे, मैं इनका टेबल सुन रही हूँ। और जिनको याद नहीं है उनको बोल रही हूँ, बेटा थोड़ा ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इन्हें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो ही मार्गदर्शन इन लोगों को करा रही हूँ कि आप लोग इस तरह बारी बारी से आइए, मुझे आप लोग दिखाइए। देखिए इधर बड़े बड़े थोड़े बच्चे बैठे हैं, क्लास 7 के हैं, इन लोग को मैथ दी हूँ, बना रहे हैं ये लोग। अब यहाँ पे एक देखिए ये गुड़िया आई है, जो लेकर छोटी सी बच्ची है, लेकर आई है कि मैम देखिए ये डिवाइड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझा दीजिए। देखिए इसको मैं समझा रही हूँ कि देखो बेटा यहाँ पर ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए इस तरह ये बन जाएगा। तो यानी इस तरह ये बच्चे बारी बारी से आ रहे हैं, मैं इन लोगों को समझा समझा कर भेज रही। देखिए ये छोटी सी एक गुड़िया है, ये भी लेकर आइए। अध्याय 2 रसायन शास्त्र ना, क्लास 9 का है। कौन सा चैप्टर? पदार्थ का वर्गीकरण, यानी पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। लिखिए जल्दी से, पहले लिखिए अध्याय 2, चैप्टर का नाम लिख लीजिए, पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर लिखिए, कितने भागों में बांटा गया बताइए। तो किसको पता है? तीन लिखिए, पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन लिखिए? पहला है तत्व, तत्व। दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, देखिए ध्यान दीजिए। पूछा जाए पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तब बताइएगा। वो भी तीनें हैं, कितनी अवस्थाएं हैं जी? तीन। लेकिन कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। लेकिन पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? ये तीन। तो कौन कौन? तत्व, यौगिक, मिश्रण। चलिए लिखिए तत्व किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तत्व किसे कहते हैं? लिखिए तत्व किसे, हो गया जी? उत्तर लिखिए, तत्व पदार्थ का वह तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा रासायनिक विधि द्वारा
दो या अधिक? दो या अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जाता है। विभाजित नहीं किया जाता है। जैसे लिखिए, जैसे में होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तांबा, सोना इत्यादि।